नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आत्मनिर्भर टिंकू जिया। खबर है कि रामायण के बाद दूरदर्शन पर हर रात टिकटॉक की वीडियो दिखाई जाएंगे। दरअसल सरकार को जानकारी मिली थी कि 2 महीने तक रामायण देखने के बाद आम आदमी के अंदर इतने संस्कार भर गए हैं कि वो फिर से इस जालिम दुनिया का सामना करने को तैयार नहीं है। इसलिए जरूरत है कि उसे कुछ ऐसा दिखाया जाए ताकि वो फिर से धरती लोक के प्राणियों का सामना कर सके। दोस्तों को भ्राताश्री कहने के बजाय वो फिर से उनसे अब्बे तब्बे की जबान में बात कर पाए। ऐसे में सरकार को सलाह दी गई कि दूरदर्शन पर चित्रहार टाइप का एक प्रोग्राम चलाकर उसमें टिकटॉक के वीडियो दिखाए जाए। सलाह के बाद एक बार तो अफसर इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कभी टिकटॉक वीडियो देखे नहीं। लेकिन जैसे ही एक जूनियर अफसर ने अपने मोबाइल पर लहंगा पहने लड़कों और बीवी का पेटीकोट पहने अपनी कोंध पर गिलास रखकर डांस करते अंकलों का वीडियो दिखाया तो वो दो अफसर वही बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने के बाद इन अफसरों को समझाया गया कि अगर 2 दिन लगातार टीवी पर टिकटॉक वीडियो दिखाए जाएं तो आम आदमी के अंदर घुसाई सारी शालीनता, सभ्यता, संयम और संस्कारों का तेल निकलकर नाली में बह जाएगा और उसके बाद वो फिर से ऑफिस में शोषण करवाने के लिए तैयार होंगे। इस बीच भारतीय टिकटॉकर के मुंह से ये सुनने के बाद कि वही असली कंटेंट क्रिएटर हैं, सरकार ने फैसला किया है कि इस साल से ऑस्कर के लिए कोई फिल्म भेजने के बजाय वो भारतीय टिकटॉकर्स के वीडियो भेजेगी। आपको बता दें कि इस साल ऑस्कर के लिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की वो डॉक्यूमेंट्री भेजी जा रही है जो उसने भारतीय टिकटॉकर्स पर बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडियन रेनबो। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि जितने रंग के बाल इंडियन टिकटॉकर्स ने रंगवा रखे हैं इतने रंग के पक्षी तो घाना के जंगलों में भी नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि उसे अच्छे से पता है कि जूरी किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर नहीं देगी, तो कम से कम हम उसे कुछ ऐसा दिखा दें जिसे देखकर उसकी आंख से चिंगारियां निकल जाए, पैंट से धुआं निकल जाए और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाए। इस बीच दिल्ली के जमुना पार इलाके में एक टिकटॉक स्टार के माँ बाप गहरे सदमे में चले गए हैं। क्या हुआ उनके साथ, जानने के लिए सीधा चलते हैं रिंकू जिया के पास। इनको आपको बता दूं कि टिकटॉक स्टार के माँ बाप काफी दिनों से अपने लड़के की शादी के लिए परेशान थे और इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से कह दिया कि हमारा बच्चा टिकटॉक पर बड़ा फेमस है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो। इन्हें यह पता था कि उनका लड़का टिकटॉक पर बड़ा फेमस है और वीडियो बनाता है, मगर ये नहीं पता था कि वो वहां पर करता क्या है। मगर ऐसा क्या हो गया कि उसके माँ बाप सदमे में चले गए। टिंकू, हुआ यह कि उसके माँ बाप के कहने के बाद जैसे ही रिश्तेदारों ने उस लड़के के नाम से वीडियो देखे तो उनमें कोई नाक में नथ डालकर साड़ी पहनकर गाने पर डांस कर रहा था। रिश्तेदारों ने वीडियो देखे तो उन्हें वीडियो बहुत पसंद आए और अगले ही दिन लड़के के बाप के व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लड़कों के फोटो भेज दिए। इस बीच बेटे के टिकटॉक वीडियो देखने के बाद उसके पापा तो सुबह पहली बस पकड़कर हिमालय निकल गए हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद टिकटॉकिया की मां बड़ी खुश है। टिकटॉकियों की मां का कहना है कि काफी वक्त से उसकी कुछ सलवारें, पेटीकोट और लहंगे नहीं मिल रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो खो तो नहीं गए, लेकिन आज बेटे के वीडियो देखकर तसल्ली हुई कि नहीं, वो सारे घर पर ही हैं। यहां तक कि मेरी नाक की नथ और सास की दी ये खानदानी पाजे भी काफी दिनों से गायब थी, लेकिन ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एक वीडियो में मेरे बेटे ने वो भी पहनी हुई थी।